हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर। मतलब आपको टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये फिगर में हमें पी क्यू आर ट्राइंगल गिवन है, जहाँ पे एंगल क्यू आपको गिवन है 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ पे पी क्यू की लेंथ हमें गिवन है, पी आर की लेंथ गिवन है, बट क्यू आर की लेंथ हमें नहीं गिवन है। और जैसे कि हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, तो इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओके इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, हाइपरटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो अब जिस जिसकी वैल्यू हमें गिवन है वो हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो पी आर इज 13 स्क्वायर, पी क्यू इज 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर इज 169 इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब हम नंबर को ट्रांसफर करते हैं, 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो ये हो गया 125 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज क्यू आर कितना हो गया, 25 अंडर रूट 25। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर जब ट्रांसफर होता है तो वो स्क्वायर रूट हो जाता है। तो क्यू आर कितना हो गया, 5। यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे, क्योंकि अब स्क्वायर रूट में से कोई नंबर बाहर आता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यू आती है, बट हम नेगेटिव को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये क्यू आर यहाँ पे क्या है, फिगर में लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा फिगर हो गया कंप्लीट, ये फिगर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे फिर से मैं ड्रॉ कर देती हूँ, पी क्यू 12, 13, 5। ठीक है, अब हमें इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो है 10 पी माइनस कॉट आर। तो फर्स्ट हम वैल्यू फाइंड करते हैं, देयर फॉर 10 पी कितना होता है। अब फिर से वही रेशियो हम राइट करते हैं जो कि हमें इस चैप्टर के लिए याद रखना है, जो क्या होता है, पी बी पी एच एच बी, ये याद रखने का हमें। तो पी अपॉन एच होता है साइन, फिर cos, फिर tan, cosec, sec, cot। ठीक है, तो ये sin p अपॉन एच, ये रेशियो को याद रखने का सबसे इजी मेथड है। अब यहाँ पर देखो, हमें tan p चाहिए, tan p चाहिए, तो p आपका कहाँ पे होना चाहिए, एंगल p बेस पर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो एंगल p बेस पे है नहीं, तो हम फिर से क्या करते हैं, एक और ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जहाँ पे हम p को कहाँ ड्रॉ करते हैं, बेस पे। q को हमें नहीं चेंज करना है, अब जहां पे P है वहां R हो जाएगा, Q को नहीं चेंज किया। ओके, तो ये P हमें, क्योंकि हमें 10 P की वैल्यू चाहिए, तो P को हमें कहाँ राइट करना है, बेस पे, और R को हमने कहाँ राइट कर दिया, यहाँ। अब आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, PQ, तो 12 अब यहाँ आ गया, और QR, 5 यहाँ, और PR कितना, ये हो गया 13। ओके, तो ये हमने दोनों ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ताकि हमें अगर एंगल पी से रिलेटेड क्वेश्चन वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इस ट्राइंगल से करेंगे, एंगल आर से रिलेटेड वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इस ट्राइंगल से करेंगे। ओके, नाउ टेन पी कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन पी चाहिए तो हम इस ट्राइंगल से देखेंगे, टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, आर क्यू, और बेस कितना है, पी क्यू। तो आर क्यू की वैल्यू है 5 और पी क्यू की वैल्यू है 10। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कॉट आर। अब यहाँ पे देखो, हमें एंगल आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एंगल आर बेस पे होना चाहिए, तो हम इस वाले फिगर से वैल्यू राइट करेंगे। तो यहाँ पे आर है, तो कॉट कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस ट्राइंगल का बेस कितना है, आर क्यू, और परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू। तो ये भी हो गया, आर क्यू कितना हो गया, 5, और पी क्यू कितना हो गया, 12। नाउ हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो है 10, हैंस 10 पी माइनस कॉट आर।
tan theta की वैल्यू है 5 by 12, cot r की वैल्यू है 5 by 12, तो 5 by 12 minus 5, plus 5 by 12 से minus 5 by 12 cancel, answer is 0, answer is 0, तो ये हमारा final answer है. I hope आपको ये question अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितने भी identities, ratio, जो भी इसमें use करना था, मैंने आपको बिल्कुल short method से समझाया है. Okay, thank you, मेरे साथ बने रहने के लिए.